आमतौर पे लोग सालों तक पढ़ाई करते हैं और फिर सारी जिंदगी कोलू के बैल की तरह मरते रहते हैं बस एक टुच्ची सी सैलरी कमाने के लिए। तो 5 महीने क्या है, मैं इस प्लान के बारे में बरसों से सोच रहा हूं। इसके बाद मैं कभी काम नहीं करूंगा, ना ही तुम। प्रोफेसर बोलिए। मिस टोक्यो, हम डाका कहां डाल रहे हैं? द रॉयल मिंट ऑफ स्पेन। जब से गाइस मनी हाइस्ट का 5वां सीजन रिलीज हुआ है तब से लोगों के मन में मनी हाइस्ट को लेकर काफी एक्साइटमेंट है, क्योंकि इसका पहला सीजन जब 2017 को रिलीज हुआ था तब इसने उस समय के काफी सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। मनी हाइस्ट एक ऐसी टीवी सीरीज है जिसे पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है और इसे भारत में भी काफी लोग पसंद करते हैं। मनी हाइस्ट स्पेनिश टीवी सीरीज है इसलिए इसे ऑफिशियली स्पेनिश लैंग्वेज में रिलीज किया गया था, लेकिन इसकी बढ़ती डिमांड को देखकर इन्होंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में रिलीज किया। मनी हाइस्ट में जितने भी कैरेक्टर को कास्ट किया गया है वो सभी स्पेनिश एक्टर्स हैं और आज की वीडियो में हम उन्हीं एक्टर्स में से एक एल्वारो मोटी की बात करेंगे जिसने मनी हाइस्ट में प्रोफेसर का रोल प्ले किया है। एल्वारो मोटी का पूरा नाम एल्वारो एंटोनियो गार्सिया पेरेज है। इनका जन्म 23 फरवरी 1975 को स्पेन में हुआ, लेकिन इसके कुछ साल बाद ही वो कोडोरबा में शिफ्ट हो गए और वहीं से एल्वारो ने कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और बचपन से ही एक्टिंग में दिलचस्पी होने के कारण 1999 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेम्परे से ड्रामा आर्ट में ग्रेजुएशन किया और स्पेनिश टीवी सीरीज हॉस्पिटल सेंट्रल में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। अगर इनकी डेब्यू फिल्म की बात की जाए तो 2007 की लोला फिल्म के साथ इन्होंने डेब्यू किया, लेकिन इनको मेन रोल प्ले करने का मौका प्लांटर 25 में मिला। इसके बाद इन्होंने कई टीवी सीरीज और फिल्मों में काम किया जैसे कि एडा, इजाबेल, ओल्ड ब्रिज सीक्रेट, द हेड ऑफ टाइम, मिरेज और द हेड जैसी कई मूवी और टीवी सीरीज में काम किया, लेकिन अब तक इन्हें कोई खासा लोकप्रियता नहीं मिल सकी थी। और इसी बीच जब वह 33 साल के हुए तो उन्हें पता चला कि उनके पैर में कैंसर से बना हुआ ट्यूमर है। जब उन्हें अपनी इस बीमारी का पता चला तो एल्वारो ने अपनी जीने की आस ही छोड़ दी और सोचने लगे कि अब तो उनका चलना भी मुश्किल ही है, लेकिन डॉक्टरों की सही ट्रीटमेंट की वजह से उनका ट्यूमर ठीक हो गया और एल्वारो के अंदर एक बार फिर से जीने की आस जगी और फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, जिसके बाद उन्होंने खुद का थिएटर खोला 300 पिस्टल के नाम से। और सन 2017 में मनी हाइस्ट टीवी सीरीज में प्रोफेसर के कैरेक्टर के लिए एल्वारो को कास्ट किया गया। यह टीवी सीरीज एल्वारो की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट रहा क्योंकि मनी हाइस्ट में प्रोफेसर के कैरेक्टर से यह लोगों के बीच में काफी ज्यादा फेमस हुए और इन्हें काफी ज्यादा प्रसिद्धि मिली। मनी हाइस्ट का जब 2रा सीजन रिलीज हुआ था तब एल्वारो किसी इवेंट में गए हुए थे जहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी इकट्ठे हुए थे। एल्वारो लूसी लियो के काफी बड़े फैन थे और वे उन्हें ही देखने गए थे, लेकिन जब वहां पर मीडिया और पब्लिक की भीड़ बढ़ी तो वह लोग लूसी लियो को छोड़कर एल्वारो की फोटो खींचने लगे और उनसे ऑटोग्राफ लेने लगे। मनी हाइस्ट के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एलेक्स बिना बताते हैं कि एल्वारो मोटी हर काम को बहुत ही शिद्दत और बारीकी के साथ करते हैं, यहाँ तक कि वह शूटिंग के समय भी कैमरे का लेंस के बारे में पूछने लग जाते हैं कि वह कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एल्वारो मोटी की बायोग्राफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नए व्यक्ति की बायोग्राफी लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।